जिला किन्नौर में सोमवार के बाद गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने रिकांगपियो में दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने रिकांगपियो में जानकारी देते हुए कहा कि जिला में इससे पूर्व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के चलते गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन का टीका नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब जिला में सोमवार से सभी गर्भवती महिलाओं समेत जिन व्यक्तियों को कोविड का टीका नहीं लगा है या कोविड टीका से वंचित रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। ये ग्रुप है। दूसरा वो ग्रुप है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेशन था उन दिनों में, लेकिन कल ही एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकला है जिसमें कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों को भी कोविड का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो आने वाले मंडे से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि जो सेकंड डोज वैक्सीन का है वो फर्स्ट के एग्जैक्टली 84 दिन के बाद में लगता है, तो इसी हिसाब से जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में 84 दिन होने वाले हैं, जो बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी है, तो वहाँ वहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को कंसल्ट करके तो हम ये कैंप दोबारा से लगवा रहे हैं ताकि सेकेंड डोज भी 99% कवर हो सकें या 100% कवर हो सकें, सब लोगों को हम वैक्सीन दे पाएँ, तो ये कोशिश हमारी है। तो इसमें जो बड़ी बात है जो रिकांगपियो